प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आज की हमारी जो वीडियो है वह मेष राशि एवं मेष लगन वाले जातकों के लिए है। 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक पूरे 2.5 साल शनिदेव आपकी राशि से 12वें स्थान में गोचर करेंगे। एक तो 7.5 आपकी प्रारंभ हो जाएगी, दूसरा शनिदेव की दृष्टि आपके द्वितीय भाव धनवाणी पर रहेगी। तो 2-3 बड़ी कीमती बातें आज की वीडियो में आपके लिए, लेकिन इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष दिखाने के लिए और राशि रत्न खरीदने के लिए आप सीधे सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, 12वें स्थान में शनि, ज्योतिष शास्त्र इस विषय में स्पष्ट कहता है, अपव्यय बढ़ जाता है, बिना मतलब के खर्चे आदमी के बढ़ जाते हैं, आदमी के हाथ से उसका सारा पैसा निकल जाता है, कंगाली की स्थिति आ जाती है। तो जो जरूरी नहीं है वैसा खर्च आपको नहीं करना है 2.5 साल तक। एक तो मेरी बात को आप ये नोट कर लीजिए। दूसरा, यहां से शनिदेव की सीधी दृष्टि, तृतीय दृष्टि 90 डिग्री पर आपके धन और वाणी पर रहेगी। तो आप अपनी वाणी के द्वारा, वाणी असंतुलित होने पर अपने लोगों को ही अपने से दूर करेंगे, इस प्रकार के योग है। और संचित धन में प्रॉब्लम, जारदात में कोई पुरानी बीमारी है उसकी बढ़ने की जो एक तरह से संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इन 2-3 बातों पर आपको इस कालखंड में जब तक शनि मीन राशि में गोचर करेंगे पूरी तरह से चौकन्ना रहना है और शनि देव से संबंधित उपाय करने हैं। जाड़ दांत से संबंधित आंखों में, सिर की नसों में, गले में, इस हिस्से से ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आपको पहले से है तो बिल्कुल चौकन्ने हो जाएं और उस पर पूरी तरह ध्यान दें शनि के मीन राशि में जाने से पहले पहले, क्योंकि फिर समस्या बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।